प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष, आपका अध्यात्म और ज्योतिष की ओर से अभिनंदन करता हूं। और फटाफट चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर, यानी आज के मासिक राशि फल की हम लोग चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में हम मार्च के महीने का संपूर्ण राशियों का हाल देखेंगे, मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या रहेगा, ग्रह गोचर की स्थिति का कैसा आपके ऊपर प्रभाव रहने वाला है, और इसके साथ साथ में आपको लक्की नंबर, लक्की कलर और इसके साथ साथ विशेष उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले हम अपने, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ, यदि आपको अपनी राशि पता नहीं है तो आप अपनी राशि की जानकारी के लिए उपयुक्त इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या इन राशि फल को आप अपने बोलते हुए नाम के आधार पर भी देख सकते हैं और अपनी जन्मकालीन कुंडली के आधार पर जो राशि होती है उसके आधार पर भी देख सकते हैं। कर लेते हैं, आइए अब फटाफट बात कर लेते हैं राशि फल की। इस श्रृंखला में तुला और वृश्चिक राशि चर्चा में फटाफट हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं अगली राशि, यानी धनु और मकर राशि का संपूर्ण मार्च का हाल कैसा रहेगा। मार्च कार्य आरंभ कीजिए, विकास आपके लिए फलदायक रहेगा, आगे बढ़ने के चांस आपको इस समय है मिलते रहेंगे। अतीत के संदर्भ में जो अनुसंधान आपने किया था उसमें आपको सफलताओं का अब जो है पिटारा ही आपके सामने खुलने वाला है। रुका हुआ धन है जो बहुत दिनों से आपको नहीं मिल पा रहा था वो आपको मिल सकता है, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। साझे का काम का कोई एक नया संयोग बन सकता है, नया अवसर आपको मिल सकता है, तो पार्टनरशिप में आप काम करें लेकिन अपने पार्टनर के साथ हो सके तो कुंडली मैचिंग जरूर करें। घर में जो है आपको थोड़ा सा मान सम्मान तो मिलेगा ही, थोड़ा सा प्यार और स्नेह भी मिलता हुआ नजर आएगा। घर गृहस्थी में आपका जो मसला था, जो पुराने पेंडिंग पड़े हुए थे, उनमें भी यहाँ पर मसलाओं को हल करने का एक समय आपके पास रहेगा। मंगल उत्सव, मंगल मिलन, इसके समाचार आपको मिलते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य पर जो है मौसम का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखना होगा। हल्दी का जो है आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए, हल्दी का ही आपको तिलक करना चाहिए या केसर का तिलक करना चाहिए। पीला कलर आपके लिए शुभ रहने वाला है और लक्की नंबर आपके लिए रहेगा 5। फटाफट बात कर लेते हैं मकर के लिए, मकर का क्या समय क्या रहेगा। समय के हिसाब से आपको समय की नजाकत को देखकर काम करना चाहिए, किसी का सहयोग और अपेक्षाओं पर बहुत ज्यादा आपको आश्रित नहीं होना चाहिए। आलस्य निर्माद प्रमाद से आपको बचना चाहिए, मेहनत के चलते आपका भी सितारा बुलंद हो रहा है। बात करें अगर वाद विवाद की तो आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में वैमनस्य पैदा हो सकता है, एक तरफ साढ़े साथी भी चल रही है, आपको भगवान महादेव की उपासना करनी चाहिए। आपके लिए लक्की नंबर 1 और लक्की कलर ब्राउन रहेगा। बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि की फटाफट, कुंभ राशि के लिए क्या रहने वाला है।